हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रह सोनाली। आज मैं आपको बताऊंगी अलसी के लड्डू के फायदे और उसे बनाने की संपूर्ण विधि के बारे में। सर्दियों में होने वाली हर बीमारी को यह दूर रखता है और इसे खाने से आप कब्ज और खांसी से भी बचे रह सकते हैं। अलसी शरीर के भीतर मौजूद अतिरिक्त फैट को भी कम करने में बहुत हेल्प करती है। सर्दी का मौसम आते ही सर्दी, जुकाम, जोड़ों में दर्द, इसके अलावा कई बीमारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन आज हम आपको इस पोस्ट द्वारा यह बताने जा रहे हैं कि अलसी के स्वादिष्ट लड्डू किस तरह से आपको सर्दी से बचा सकते हैं, जिसका सेवन करके आपको इतनी ताकत मिलती है कि सर्दियों में होने वाली बीमारियों को आप पल भर में गायब कर सकते हैं। अलसी शरीर के भीतर मौजूद एक्स्ट्रा फैट को कम करने में हेल्प करती है, जिससे शरीर का वजन कंट्रोल में रहता है। अलसी में मौजूद घुलनशील फाइबर नेचुरली आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके ब्लड के फ्लो को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करती है। अलसी में अल्फा लायोनिक एसिड अर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज और कैंसर से लड़ने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा अलसी के लड्डू में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अगर आप सर्दियों में नियमित रूप से अलसी के लड्डू का सेवन करेंगे तो आप कई तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। आइए अब जानते हैं अलसी के लड्डू बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले भुनी हुई अलसी 200 ग्राम, गेहूं का आटा 450 ग्राम, 250 ग्राम देसी घी, 300 ग्राम पिसी हुई शक्कर और 1 कप कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से हरी इलायची के दाने और फूली हुई गोंद आधी कटोरी। आइए अब जानते हैं अलसी के लड्डू बनाने की विधि। सबसे पहले भुनी हुई अलसी को मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लें। इसके बाद कढ़ाई में देसी घी डालें और इसमें आटा डालकर इसे अच्छी तरह से भुनें। आटे को तब तक भुनें जब तक कि यह हल्का भूरा ना हो जाए और उसमें से भीनी भीनी सुगंध आने ना लग जाए। अब इसमें पिसी हुई अलसी का पाउडर डालें और हल्की आंच पर इसे 10 मिनट के लिए भूनें। अब गैस बंद कर दें और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसमें पिसी हुई चीनी, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और तला हुआ गोंद और पिसी हुई छोटी इलायची के दाने मिलाएं। अब अपने हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाकर इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा लेकर इसके लड्डू बना लें। स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक अलसी के लड्डू तैयार हैं। इन लड्डुओं को आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दें और इसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। सर्दियों में रोज सुबह अलसी के लड्डू खाने से आपको ताजगी और स्फूर्ति भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का ग्रह सोनाली नुस्खा। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। इसी तरह के नए नए अपडेट्स जानते रहने के लिए मेरे ग्रह सोनाली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।